नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अभी हाल ही में आईएनएस विक्रांत को देश के सुपुर्द करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह को नया रूप दिया था। पहले नौसेना का निशान सफेद फ्लैग था जिस पर क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज बना हुआ था, लेकिन अब इसे बदलकर सुनहरी सीमाओं के और अष्टकोणी आकार के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर देखा जा सकता है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल की प्रथाओं और इकाइयों और रेजिमेंटों के नाम से छुटकारा पाने की प्रक्रिया शुरू की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के एक दस्तावेज में कहा गया है, विरासत की कुछ प्रथाओं जैसे औपनिवेशिक और पूर्व औपनिवेशिक युग के रीति रिवाज और परंपराएं, सेना की वर्दी और परिधान, नियम कानून, नियम नीतियां, इकाई स्थापना, औपनिवेशिक काल के संस्थान, इकाइयों, इमारतों, प्रतिष्ठानों, सड़कों, पार्कों के अंग्रेजी नामों की समीक्षा की आवश्यकता है। सेना मुख्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ब्रिटिश काल विरासत से छुटकारा पाते हुए पुरातन और अप्रभावी प्रथाओं से छुटकारा पाना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना को भी विरासत की इन प्रथाओं की समीक्षा करने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय भावना के साथ उन 5 संकल्पों के अनुरूप हो सके जिनका प्रधानमंत्री ने लोगों से पालन करने के लिए कहा है। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल की प्रथाओं और इकाइयों और रेजिमेंटों के नाम से छुटकारा पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया पीएम मोदी के निर्देशों के अनुरूप जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में शुरू की गई है। सेना अधिकारियों ने कहा कि जिन मदों की समीक्षा की जा रही है उनमें स्वतंत्रता पूर्व थिएटर, युद्ध सम्मान, भारतीय राज्यों को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और कॉमनवेल्थ गेम्स कमीशन से मुक्ति और संबद्धता शामिल है। इसमें बीटिंग द रिट्रीट और रेजिमेंट सिस्टम जैसे समारोह भी शामिल है। यूनिट में नामों और प्रतीक चिन्ह, औपनिवेशिक काल के शिखर, अधिकारियों की मिस प्रक्रियाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों की भी समीक्षा की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।